नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला, डिकोड द कोर्स। और अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त आवेदन करने वालों के नस्ल पर विचार नहीं किया जाएगा। असल में अमेरिकी कॉलेजेस में काले और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एडमिशन देने में रिजर्वेशन का नियम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से अमेरिकी अफर्मेटिव एक्शन, जिसके तहत सकारात्मक पक्षपात वाले कानून है, अब इसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस फैसले का विरोध किया है। चलिए पूरे मामले को डिकोड करते हैं। अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में नस्ल को लेकर हमेशा विवाद देखा गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अफर्मेटिव एक्शन यानी कि सकारात्मक पक्षपात वाले कानूनों का दो बार समर्थन भी कर चुका है। पिछली बार यूनिवर्सिटी एडमिशन में अफर्मेटिव एक्शन का समर्थन 2016 में किया गया था। कॉलेज में सभी वर्गों को मौका मिल सके, इसके लिए 1960 के दशक में अमेरिकी नीतियों में अफर्मेटिव एक्शन शामिल किए गए थे। समाज में डाइवर्सिटी यानी कि विविधता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का समर्थन किया जाता रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमेरिकी समाज की विविधता का विरोधी कहा जा रहा है। खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। The court has effectively ended affirmative action in college admissions, and I strongly disagree with the court's decision. Because affirmative action is so misunderstood, I want to be clear, make sure everybody's clear about what the law has been and what it has not been until today. Many people wrongly believe that affirmative action allows unqualified students to be admitted ahead of qualified students. This is not how college admissions work. Rather, colleges set out standards for admission, and every student has to meet those standards. Then and only then, after first meeting the qualifications required by the school, do colleges look at other factors in addition to their grades, such as race. तो जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका में अब भी भेदभाव बरकरार है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को आखिरी शब्द नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा है कि ये कोई साधारण कोर्ट नहीं है, 9 जजों की बेंच इस पर बटी हुई थी, 6 कंजर्वेटिव हैं तो 3 लिबरल। आइए अब डिकोड करते हैं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या है और इसके होने वाले असर को भी समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में नस्ल आधारित एडमिशन रोक दिया है। असल में ये फैसला 2 मुकदमों में सुनाया गया है। एडमिशन का एक मामला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, जबकि दूसरा नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी का था। बेंच के 9 जजों में से जिन जजों ने यूनिवर्सिटी में विविधता हटाने के पक्ष में फैसला दिया, उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन नाम के संगठन की दलीलों का समर्थन किया। स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन ने पिछले साल अक्टूबर में दलील दी थी कि हार्वर्ड की नस्लीय चेतना से भरी एडमिशन पॉलिसी 1964 की सिविल राइट्स एक्ट के टाइटल 6 का उल्लंघन करती है। यह कानून नस्ल, त्वचा के रंग या मूल देश के आधार पर भेदभाव रोकता है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसले में लिखा कि कई विश्वविद्यालयों ने गलत निष्कर्ष निकाल लिया कि किसी व्यक्ति की कसौटी, उसके सामने आने वाली चुनौतियां उसके सीखे कौशल या सबक नहीं बल्कि उसकी त्वचा का रंग है। हार्वर्ड की दाखिले की नीति इस नुकसानदेह स्टीरियोटाइप पर टिकी है कि एक ब्लैक स्टूडेंट कुछ ऐसा दे सकता है जो श्वेत छात्रों के पास नहीं है। इस तरह की एडमिशन पॉलिसी बेतुका और गैर संवैधानिक है। जिन लिबरल जजों ने फैसले से असहमति जताई, उनमें केतनजी ब्राउन जैक्सन शामिल है। ये पहली ब्लैक महिला जज भी हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से ये फैसला हम सबके लिए त्रासदी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का समर्थन कर रहे लोगों की यह दलील है कि यह कलर ब्लाइंडनेस के कानूनी पक्ष को मजबूत करता है। ये ऐसा पक्ष है जो हमारे बहुनस्लीय बहुजातीय समाज को जोड़े रखता है। अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन ने एशियाई अमेरिकी समुदाय के लिए एलीट स्कूलों में दाखिले की राह में रोड़े अटकाए हैं। ये फैसला मेरिट के समर्थन में है, जो अमेरिकी ड्रीम की बुनियाद भी है। जबकि विरोध कर रहे कुछ लोग ने कहा है कि हार्वर्ड ब्लैक स्टूडेंट एसोसिएशन ने कहा है कि उन्हें इस फैसले से बड़ी हताशा हुई है। हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में उनके आवेदन में नस्ल पूरी तरह एक वजह था। हार्वर्ड के अध्यक्ष लॉरेंस बकाओ ने भी कहा है कि वो जरूर अदालत का फैसला लागू करेगा, लेकिन साथ ही हार्वर्ड अलग अलग पृष्ठभूमियों, नजरिए और अलग अलग अनुभव वाले लोगों को भी अपने यहां दाखिला देता रहेगा।
दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव धड़े का दबदबा है। पिछले साल इसी ने रो बनाम वेड मुकाबले पर फैसला देते हुए महिलाओं के गर्भपात के अधिकार से जुड़े कानून को पलट दिया था। इससे अमेरिका में लिबरल लोगों में काफी नाराजगी है। अमेरिका के शिक्षा मंत्री मिगेल कार्डोना ने कहा है कि यूनिवर्सिटी चलाने वाले अपने यहां विविधता के लिए जिस अहम औजार का इस्तेमाल करते थे उसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है। हालांकि विश्वविद्यालयों को विविधता से भरा बनाने के हमारे इरादे को यह फैसला छीन नहीं सका है। व्हाइट हाउस विश्वविद्यालयों को ये निर्देश भेजेगा कि कैसे वो कानूनी रूप से विविधता बरकरार रख सकते हैं। बहुत ही अहम फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का देखना होगा कि जो बाइडेन सरकार इसका क्या समाधान सुझाती है।